प्रहलाद जी की कथा यह संदेश देती है हमें कि यदि हमारी निष्ठा और विश्वास पक्के हो जाएं, और निष्ठा यानी श्रद्धा और विश्वास पक्के हो जाएं, तो जीवो ब्रह्मैव नापरः। प्रहलाद को आग में गिराया गया, हाथी से गिराया गया, पहाड़ों से गिराया गया, जहर पिलवाया गया, लेकिन वो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि जानत तुम्हें वह जाई, क्योंकि वो परमात्मा को जान गया और परमात्मा को जान करके स्वयं परमात्मा ही हो गया और उसे कोई माइकलाल मारने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा अमर है, उसी का स्वरूप हो गया वो। इसलिए कोशिश की गई लेकिन कोई भी उन्हें मार न सका। अच्छा एक बात और, बाहर देखने में ये लगता था कि प्रहलाद को बड़े कष्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछे तुम बड़े कष्ट में हो, उसने कहा कष्ट कैसा कष्ट, कहाँ कष्ट, क्योंकि दुनिया के देखने में कष्ट है लेकिन उसे तो किसी चीज का आभास ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आराध्य की आराधना में इतना डूबा है कि उसके कष्ट आराध्य अपने आप दूर से ही दूर उन्हें समाप्त कर देता है। भैया प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु जब कहीं कोई उपाय नहीं कर पाता तो स्वयं उतर पड़ता है और वो पूछता है कि तू मेरे से किसके बल पर दुश्मनी कर बैठा है। अब प्रहलाद जी ने कहा मैं तो ये नाम भी नहीं जानता कि दुश्मनी होती क्या है। एक बार सूर्य भगवान ब्रह्मा जी ने बुलाए, बोले कहो पिता मैं कैसे याद किया आपने। बोले हमसे चंद्रमा शिकायत करने आया था। बोले क्या मुझसे क्या गलती हो गई और चंद्रमा है कौन? अरे बोले चंद्रमा कह रहा था कि सूर्य दिनों रात मेरे पीछे पड़ा है। तो सूर्य ने कहा मैंने तो किसी चंद्रमा को आज तक देखा ही नहीं, वो कह रहा है कि दिनों रात मेरे पीछे पड़ा है और मैं कह रहा हूं कि मैंने तो उसको देखा ही नहीं, मुझे पता तक नहीं है चंद्रमा है कहां, कौन रहता है, कौन है, कब आता जाता है, कहां आता जाता है। बस ऐसा ही है संसार में जो साधक होता है ना उसे पता भी नहीं होता, लेकिन जो गलत प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है, उनसे न जाने कितने लोग अपनी प्रकृति के कारण ही द्वेष से, ईर्ष्या से, अहंकार से उनको आहत होती है, लेकिन उनको बेचारों को पता ही नहीं। तो प्रहलाद जी करे दुश्मनी? बोले हाँ, तूने मेरी बहन को मार दिया होलिका को, और तूने ये कर दिया वो कर दिया। प्रहलाद बोला मैंने तो आज तक किसी को उंगली तक नहीं छुबाई। अरे बोले तेरे ही कारण मेरी बहन मरी। अब जमाने का ये नियम है, मरता तो व्यक्ति अपने कर्म से है लेकिन वो किसी न किसी के ऊपर उसको डालता ही है, और मरता कौन है जो ऐसे प्रहलाद जैसे भक्तों को स्वयं मारने का प्रयास करता है, वह खुद मरता है लेकिन उसका जिम्मेदार। एक कथा आपने सुनी होगी, एक संत थे बड़े फकीर, बड़े मन मौजी, भगवान की मस्ती में डूबे रहने वाले। तो अचानक क्या हुआ कि वो जब रास्ते में जा रहे थे, बरसात के दिन थे, बगल में होकर के एक नव विवाहित पति पत्नी चल रहे थे, बड़ी महंगी साड़ी पहन रखी थी उसने, और अचानक से उनको बड़ा आनंद सा आया और वे एकदम उछले, और नीचे थोड़ा कीचड़ थी उसमें जैसे पानी छपाक हुए उछट करके कीचड़ उस नारी के साड़ी पर गिर पड़ी। लेकिन नारी तो बहुत सहनशील होती है, वैसे सहनशील होती है वही नारी है, बाकी सहनशील नहीं है तो नारी के नाम पे कलंक है। सहन धरती की औलाद है नारी, धरती की संतान, और धरती के बराबर सहनशीलता, इसलिए नारी का एक नाम क्षमा है।
तो जल्दी से नारी को कभी गुस्सा नहीं आता, तो उसके कीचड़ गिरी उसे तो कोई गुस्सा नहीं आया, पर उसका जो मजनू था ना, उस मजनू ने इतना गुस्सा दिखाया महात्मा के ऊपर और बोला कितनी महंगी साड़ी तूने खराब कर दी, और इस हद तक गुजर गया कि उसने महात्मा के थप्पड़ मार दिया। लेकिन महात्मा ने कुछ नहीं कहा, आगे चल दिया। पीछे से उसकी पत्नी ने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, उसने जानबूझ के तो नहीं ऐसा किया, उसे तो पता भी नहीं है, तो उसको देख के चलना चाहिए आगे पीछे। पत्नी ने बहुत समझा लिया, उसको समझ में नहीं आई, और महात्मा तो थोड़ा पीछे रह गया, वो आगे निकल गए दोनों गुस्से में, समझाती हुई जा रही थी। उसका घर थोड़ी दूर आगे था, और घर पे जो उसका घर तो था उसमें कच्ची वो थी ये उतरने की फिसलन, और बरसात हुई थी, और ये बाबूजी जैसे ही चढ़े वहां पे और ऐसे फिसले के इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब वहां जो निकल के जा रहे थे कुछ लोग, तुरंत उन्होंने देखा कि इसने अभी थप्पड़ मारा था, ये वही है, उसके कमर टूट गई। अब उनमें कुछ लोग इतने गलत प्रवृत्ति के थे, उन्होंने कहा देख लो महात्मा को, अरे ये तो बच्चा था, वो तो समझदार था, बताओ ऐसी बद्दुआ दी एक बेचारी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अच्छा, जब महात्मा पे थप्पड़ पड़ा था तब कोई ये कहने नहीं आया था हैं इससे, क्योंकि ये तो उनको भी थप्पड़ मार देता, यदि महात्मा की तरफ लेता तो ये भी उनके भी थप्पड़ मार देता, लेकिन जब इसकी कमर टूट गई तो 50 बात बता, इस महात्मा को नेक शर्म नहीं, ऐसा साफ दे दिया हैं, बेचारी की हड्डी तोड़ दी, और बताओ वो विधवा हो जाएगी, मर जाएगा ये। महात्मा रमते रमते वहीं आ गए, तो सब लोगों ने घेर लिया कि महाराज आपको ऐसा सांप नहीं देना चाहिए था। उसने कहा कौन सा सांप, किसको सांप, कहां सांप भाई, अरे उसकी हड्डी टूट गई। बोले भैया मेरे तो थप्पड़ पड़ा था तब भी मैं अपने आप में नहीं था, और मैंने कीचड़ मेरे पैरों से उछली तब भी मैं अपने आप में नहीं था, मैं तो कहीं और ही था। अरे उसकी हड्डी ऐसी टूट गई, और पहले तो कभी टूटी नहीं। तब उस महात्मा ने एक बात कही, उस महात्मा ने कहा कि सुनो भैया, यदि तुम मेरे ऊपर इल्जाम रख ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। ले बताओ। गहरी बात यह है कि मैंने एक छोटा सा कीचड़ उछाल दिया, इसकी साड़ी पे गिर पड़ा, जिसको ये बहुत प्यार करता है, तो इस पर सहन नहीं हुआ, इसलिए इसने मेरे को थप्पड़ मार दिया। लेकिन ये भूल गया था कि जैसे इसको ये प्यार करता है ऐसे मुझे भी तो कोई प्यार करता होगा। ये भूल गया ये कि तू जिसको प्यार करता है हाड़मास के पुतले को, अब इसका थप्पड़ में जितनी दम थी उतनी नसें इसने तोड़ दी, और मैं जिसका प्यारा हूं उसके थप्पड़ में जितनी दम थी हैं उसने उतनी नसें तोड़ दी। हैं, जिसका थप्पड़ जितना जानदार होगा, न तो जिसकी साड़ी पर कीचड़ उछला वो कुछ बोला, और न जिसके गाल पर थप्पड़ पड़ा वो कुछ बोला, हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। हैं, मैं तो दुआ करता हूं भगवान इसको क्षमा करना, इसकी कमर ठीक कर देना, लेकिन इसके कर्म इसको कभी ठीक रहने नहीं देंगे। हैं, वैरु अकारण सब काहू सो, वैरु रहे तन इतता हो।
शिवू को लगता है कि ये मुझसे दुश्मनी कर रहा है, लेकिन प्रहलाद को तो सपने में भी पता नहीं है, है? उसने कहा दुश्मनी, कैसी दुश्मनी? अरे बोले तूने मेरा सब चौपट कर दिया, पहले तू उसका पता बता जिसके बल पर ये सब कर रहा है, किसका बल है तुझे? आज प्रहलाद जी ने वही उत्तर दिया जो लंका में हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, जाके बल लवले सते जितेहु चराचर झा तासु दूत में जाकर हरि आने हु प्रियना। पिताजी आज आप जितना भी राज्य संभाल रहे हो उसमें सब जो बल है ना वो सब उसी का है, और मैं तो उसी के बल पर अपना मस्त रहता हूँ। आज तक मुझे तो किसी ने कोई कष्ट पहुँचाया नहीं, मैंने किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाया, लेकिन हाँ यदि कोई मुझे कष्ट देने की कोशिश कर रहा होगा तो हो सकता है शायद प्रभु उसको सहन न कर पाए हों, क्योंकि भगवान का ये नियम है, निज अपराध रिसाई न काहू, निज अपराध बल दे रहा है वो तेरा परमात्मा रहता कहां है? बोले पिताजी आपका प्रश्न ही उल्टा है। बोले कैसे? बोले ये बताओ वो कहां नहीं है? हैं? अच्छा सब जगह है? बोले सब जगह। तो बोले मेरे को क्यों नहीं दिखता? बोले अब तुम्हारी फूट गई तो हम क्या करें, हैं? हमको तो दिखता है। जिनको नहीं दिखता ना उन्हें न तो मूर्ति में दिखता है, न पेड़ों में, न पशुओं में, न पंछियों में, और न संतों में, न माता पिता में, कहीं भी नहीं दिखता, क्योंकि जिनकी फूट गई हैं। और जिनकी खुल जाती हैं जैसे जैसे खुलती चली जाती हैं, पहले संतों में दिखता है, गुरुओं में दिखता है, माता पिता में दिखता है, फिर मूर्तियों में दिखता है, तीर्थ में दिखता है, फिर धीमे धीमे पशु पंछी। निज प्रभु में देखें जगत के हिस्सा न करें विरोध, फिर उन्हें सब में दिखाई देने लगता है। लेकिन शुरुआत कहीं से भी हो तो जाए, लेकिन जिनकी शुरुआत ही नहीं होती। बोले अब तुम्हारी फूट गई तो मैं क्या करूं? अच्छा तू हमारा ही बालक होकर के हमारे यहां क्या फोड़ रहा है? बोले मैंने पिताजी किसी की नहीं फोड़ी, लेकिन जिनकी फूटी है उन्हें बता रहा हूं। आप सांस किसके बल पे ले रहे हो? वो कहता अपने बल पर। तो बोले अपने बल पर जब आदमी मरता है तब क्यों नहीं ले लेता?
तब ले ले, अपने बल पे सांसें ले रहा है तो। अब साहब बापों का एक रोल होता है, उनकी सूदी वो अपनी और उल्टी वो अपनी। जब मन जवाब दे तो अच्छा हमसे जवाब दे रहा है, हम तेरे बाप है कि तू हमारा बाप है। पिताजी ज्ञान की बात में तो कोई बाप बेटा होता नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैंने, आपने पूछा तो मैंने कह दिया, नहीं मैंने तो कभी आपसे कोई बात कही भी नहीं। अच्छा इस खम्भे में तेरा परमात्मा है? बोले 100% है। चेक करूं? बोले कर लो। उसने अपना एक हथियार उठाया और उस खम्भे में धार। बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान का प्राकट्य हुआ खम्भे से और उसको अपने आड़े हाथों ले लिया हिरण्यकश्यपु को। युद्ध होने लगा, देवता लोग आ गए आकाश मंडल में। युद्ध होते होते काफी देर हो गई। देवताओं ने कहा भगवान क्यों देर कर रहे हो? भगवान ने कहा इसका भी समय नहीं आया, थोड़ी सी देर बाकी है, अभी थोड़ी शाम तो ढले, दोनों वक्त तो मिले। जब शाम हुई देहरी में घुटनों पर रख करके फिर भगवान ने एक एक वरदान जो उसने मांगे थे एक एक करके पूछा, बता दिन है कि रात? बोले नहीं दोनों वक्त मिले हैं। बोले बता 12 महीना में से तो कोई नहीं है? बोले नहीं है, 13वां महीना है, यानी लौंद का महीना। उसने ऐसे ऐसे वरदान मांगे थे, ऐसे ऐसे वरदान मांगे थे कि शायद कभी मृत्यु हो ना है। लेकिन भैया भगवान के सामने, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर, जो करने लायक है वो भी कर दे, जो न करने लायक है वो भी कर दे, हैं कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम, इससे भी अलग कुछ हो उसे भी करके दिखा दे, वही तो ईश्वर है। उसकी आंतें फाड़ी, अपने गले में लटका ली। फिर प्रहलाद जी ने शांत किया उनको और प्रहलाद जी गोदी में उठा करके गद्दी पर बैठे, गद्दी को पवित्र किया, क्योंकि उस पर बहुत दिन असुर बैठा रहा था, इसलिए भगवान जब बैठ गए तो फिर वह पवित्र हो गई। एक वो श्लोक है ना, लक्ष्मी पते तेंग गृह, शुरू से कैसे तस्ते शाम पर आ जाए। हाँ एक रह गया कहीं, नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद विद्यावलम वलम लक्ष्मी। हाँ ये बड़ा प्यारा मंत्र है, बड़ा प्यारा श्लोक है। लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरामि, भगवान के चरण जहाँ पर स्मरण होने लगे फिर वहाँ सारी अपवित्रताएँ खत्म होने लगती हैं, अपने आप चित्त पवित्र होने लगता है। ये जितने भी ज्योतिष में चंद्रमा देखा जाता है और सारे वो देखे जाते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर स्वयं में भगवान का बहुत स्मरण है भीतर, तो फिर ये सारे सब फीके पड़ जाते हैं, फिर वो सबको फैल कर देता है। इसलिए गद्दी पर बैठ करके उस अपवित्रता को नष्ट किया। लक्ष्मी पते तेंग्र युगम स्मरामि,